हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड देखिए, आज हम एक डिजाइन लाए हैं। डिजाइन बहुत ही प्यारी लगती है। इसको हमने स्वेटर में डाला है। देखिए कितना सुंदर लगता है। डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है। इसको बनाना आसान भी बहुत है। तो फ्रेंड देखिए, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको जो है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। किनारे एक फंदा बुन लेते हैं, उसके बाद दो फंदा ऐसे हम उतारेंगे। दो फंदा ऐसे हम इसको उतारेंगे, पहला वाला फंदा पीछे से और दूसरा वाला सेकंड फंदा ऊपर से लाएंगे। ऐसे ऊपर से लाएंगे, दोनों की सीधी बुनाई कर देते हैं। दोनों की सीधी बुनाई कर देंगे, फिर उसके बाद दो फंदा उतारेंगे। ये वाला फंदा पीछे से लाएंगे और बीच वाला फंदा ऐसे ऊपर से लाएंगे। दोनों बाई सिलाई पे से चढ़ा के सीधी बुनाई कर देते हैं। ऐसे सीधी बुनाई कर देते हैं। इसी तरह से हमको और ऐसे बनाना है। देखिए सीधी बुनाई कर दे रहे हैं। एक बार हमें बीच वाला फंदा इधर उधर लाना होगा और एक बार हमें इधर लाना होता है। ऐसे हम इसको बनाएंगे। देखिए ऐसे हम चार चार फंदा का ऐसे चार बार बुनाई इसकी करते हैं। देखिए दो फंदा ऐसे उतारेंगे, पीछे वाला पहला फंदा पीछे से, बीच वाला फंदा ऊपर से, ऐसे सीधी बुनाई कर देते हैं। सीधी बुनाई कर दिए हैं, फिर दो फंदा उतारेंगे तो ये फंदा पीछे से और इसको ऊपर से, ऐसे बाई सिलाई चढ़ा के सीधी बुनाई कर देंगे। इस तरह से देखिए चार फंदा के डिजाइन, चार फंदे के डिजाइन, चार फंदे के डिजाइन। और एक बार हम और भी बनवाते हैं। आप इच्छा अनुसार आठ फंदे का ही बनाइए, सोलह फंदे बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो अपने इच्छा अनुसार है। फूल को छोटा बड़ा कर सकती हैं। देखिए ऐसे दो फंदा उतारेंगे, इसको पीछे से लेंगे, इसको ऐसे। देखिए दोस्त, जितना फंदा हम डिजाइन में लगाएंगे उतना फंदा हमें सादा बुनना होगा। तो फ्रेंड देखिए, ये जो है हम इसको जितना बनाए हैं डिजाइन उतना फंदा हम सादा छोड़े हैं, जिससे कि इस यहाँ डिजाइन बने, यहाँ डिजाइन बने। उसके बाद जितना फंदा छूटा रहेगा, ये डिजाइन हमारी चेक में होनी चाहिए चौकोर। जितना लंबा हम यहाँ बीनेंगे उतने हमें ऊंचाई बुननी होगी, उतना ऊंचा हम बुन करके। देखिए इधर से हम चार डिजाइन बनाए हैं, एक दो तीन चार, चार डिजाइन बनाए हैं और ऊपर हमारा तीन डिजाइन गया है, एक दो तीन। तो इस तरह से हमारा ये चौकोर हो जाता है। जब चौकोर हो जाएगा तो इसकी बुनाई हम बंद करके यही वाला डिजाइन फिर हम बीच में डालते हैं। तो देखिए अब इसको जो है हम उल्टा बुनाई कर देते हैं। इसकी इतना फंदा हम उल्टा बुन देते हैं।
फिर ये हम इसको जितने में डिजाइन बनाए हैं उतना हम इधर उल्टी बुनाई कर देते हैं। और उल्टे की तरफ हमें क्या करना है, सारे फंदों को उल्टा बुन देना है, सारे फंदों को हमें उल्टा बुन देना है। उल्टी बुनाई करते हुए हम सिलाई को पूरा कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, किनारे वाला फंदा हम बुन लेते हैं। किनारे वाला फंदा बुन लिए, जो पहली सिलाई में हम इसको दो फंदा उतारे थे, फंदा इधर किए थे, अब की बार हमें ये फंदा पीछे से लाना है और ये फंदा हमें ऊपर से लाना है। देखिए, और दो फंदा उतारे थे, इसको पीछे से लिए थे, अब की बार ये फंदा हमें पीछे से लेना है और इसको ऊपर से लाना है। ऊपर से ला करके हम ऐसे सीधी बुनाई कर देते हैं। देखिए दोस्त, ये डिजाइन हमारी गोल से पड़ रही है। ये आप फंदा ना उतारे तो इसकी बुनाई ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी बुनाई जो है इसे पीछे से पहले बुन लीजिए, पीछे से बुन लीजिए, उसके बाद इसको सीधे से बुन लीजिए, दोनों फंदा उतार दीजिए और पहले इसको बुन लीजिए। फंदा उतारने में कोई दिक्कत लगे तो पहले इसको बुन करके फंदा मत उतारिए, इसको भी बुन लीजिए, दोनों फंदा एक साथ उतारिए, बुनाई एक ही तरह से पड़ेगी। देखिए, इसको हम पीछे से बुन लेते हैं, पीछे से बुन के फिर उसके बाद इसको बुनते हैं। इसको पहले बुन लेते हैं, इसको बाद में बुनते हैं, दोनों एक साथ में उतार देते हैं, बुनाई एक ही तरह से पड़ती है। तो फ्रेंड, जैसा आपको आराम लगे उसी तरह से आप बनाइए, बुनने में आसानी पड़े तो ऐसे आप लगाए बनाइए। देखिए, ऐसे उतार दीजिए, इसको पीछे से लीजिए, इसको ऊपर से। धागा आगे करके इसको हम पूरा उल्टी बुनाई इसकी कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम आगे सीधी वाले तरफ किनारे का फंदा बुन लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट सिलाई में बुने थे, दो फंदा ऐसे उतार करके ये पहला फंदा पीछे से ले जाएंगे, इसको आगे से, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए, अब इसी तरह से ऐसे रिपीट करते जाएंगे तो हमारी ये डिजाइन बनती चली जाएगी। देखिए, आप इसको बनाइए, डिजाइन बनाने बहुत आसान है और सुंदर भी लगता है। खासकर ये सफ़ेद कलर के ऊन में, सफ़ेद में, व्हाइट्स में बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। हम तो इसको डार्क में बनाए हैं, फिर भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको यही समझा देते हैं स्वेटर के माध्यम से। जितने फंदे में आप इसको बनाइए डिजाइन, उतना फंदा आपको यहाँ उल्टा बुनना रहेगा, एक्स्ट्रा रखना होगा। इतने डिजाइन बनाएं उतना ही फंदा यहाँ रखना हो, चाहे आप इसका हाफ बनाएं, 8 फंदे बनाइए, 12 फंदे बनाइए और चाहे 16 फंदे बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपका ये चेक बराबर होना चाहिए। जितना यहाँ भी नहीं उतना ऊंचा भी नहीं है, और तब तक ये उल्टा बुना जाएगा। उतने फंदा यहाँ बनाइए, हम थोड़ा सा एक डिजाइन बना के दिखाएं आपको, और उसके बाद जब ये आपका जितना यहाँ चौड़ा है उतना यहाँ इधर हो जाए तो इसको आप बंद करके डिजाइन इस पर डालिए। ठीक, तो फ्रेंड देखिए, ये स्वेटर कितना सुंदर लगता है, इसको हम बनाए हैं। फ्रेंड, अगर हमारी ये डिजाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कमेंट करके बताइएगा हमारा डिजाइन कैसा लगा। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।